हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं नरेश कौशल, दैनिक अर्थ प्रकाश और वेब टीवी अर्थ प्रकाश की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो चुका है। मनोहर लाल सरकार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की गठबंधन सरकार का पहला बजट सत्र आज शुरुआत हो गई है उसकी। इस बार बजट सत्र का मुख्य आकर्षण रहा सभी दलों के विधायकों को साथ सरकार की बजट पूर्व चर्चा। इस चर्चा में दरअसल राजनीति से ऊपर उठकर सभी पार्टियों के विधायकों ने रचनात्मक सुधार जो है और सुझाव हैं वो दिए हैं। ये बजट सत्र आगामी 4 मार्च तक चलेगा। इस सत्र के दौरान सदन की लगभग 9 या 10 बैठकें होंगी। आज महामहिम राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य के अभिभाषण के साथ साथ दिवंगत जन नेताओं को श्रद्धांजलियां अर्पित की गई। कल महाशिवरात्रि है, आप सबको बधाई भी हो। परसों और उसके अगले दिन शनिवार और रविवार है। कहने का अभिप्राय 3 दिन छुट्टी रहेगी, विधानसभा सत्र नहीं चलेगा। सो 3 दिन के अवकाश के उपरांत अब सदन की अगली कार्रवाई, अगली बैठक 24 फरवरी सोमवार से 28 फरवरी तक चलेगी। 28 फरवरी को वर्ष 2020-2021 का जो बजट है हरियाणा का वो प्रस्तुत किया जाएगा। 29 फरवरी और 1 मार्च को शनिवार रविवार की छुट्टी के बाद 2 मार्च को बजट पर चर्चा, 3 मार्च को मुख्यमंत्री द्वारा उत्तर और बजट पारित भी होगा और 4 मार्च को अन्य विधेयक पारित हो सकते हैं और इसके साथ ही बजट सत्र की जो है वो समाप्ति हो जाएगी। तो आज मुख्य तौर पे एक तो 11 बजे जो बजट का सत्र जो पहले 2 बजे शुरू हुआ करता था, इस बार उसको प्रीपोन किया गया है और उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग भी हुई है। जब तक हम ये बुलेटिन चला रहे हैं कैबिनेट के अभी फैसले जो हैं वो नहीं आ पाए, तो इसलिए वो बजट सत्र एडवांस में किया गया है और उसमें राज्यपाल का जैसे कि औपचारिक अभिभाषण होता है वो अभिभाषण हुआ है। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में जो मुख्य तौर पर बात कही है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जो महिलाएं हैं उनको जो है फ्री नैपकिन जो है, जो नैपकिन पैड जैसे आप जानते हैं, बच्चे जानते हैं सब, वो उनको बांटे जाएंगे। वर्ष 2020 और 21 के दौरान करीब 30 करोड़ रुपए के लागत के जो हैं वो बीपीएल परिवारों को निशुल्क सैनिटरी जो नैपकिन हैं, पैड हैं जो, वो दिए जाएंगे। ये वैसे सरकार की ही योजनाएं होती हैं जो राज्यपाल के माध्यम से बताई जाती हैं। सदन में राज्यपाल ने कहा कि महिलाओं एवं लड़कियों को सशक्त बनाने तथा लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, समेकित बाल कल्याण योजना, आपकी बेटी हमारी बेटी समेत अनेक योजनाओं का लाभ हरियाणा की जो महिलाएं हैं उनको दिया जाएगा। राज्यपाल ने बहुत सी विवरण दिए हैं, बातें कही हैं जिनकी चर्चा सदन में सरकार द्वारा विस्तृत रूप में की जाएगी, लेकिन उन्होंने पानी के बारे में बात की है, यमुना कैनाल की क्षमता बढ़ाने की बात की है और उसके साथ साथ 2022 तक प्रदेश के गांवों में प्रत्येक व्यक्ति को रोजाना 55 लीटर पानी मुहैया कराने का जो उनका मिशन है वो बताया गया है। जल जीवन मिशन के तहत प्रति कनेक्शन 2000 रुपये के रोड कट शुल्क को माफ़ करने का निर्णय भी लिया गया। इसके अलावा उपभोक्ताओं को 500 रुपये प्रति घरेलू नल कनेक्शन के लिए अग्रिम शुल्क का भुगतान करने का विकल्प भी दिया जा रहा है। इसी तरह बिजली के मुद्दे पर भी सरकार ने गंभीरता दिखाई है। सरकार ने महारा गांव जगमग गांव योजना में शामिल हुए 4463 गांवों का दायरा बढ़ाने की जो योजना है वो बनाई है। पिछले 3 वर्षों के भीतर बिजली निगमों की हानि
30.2 से कम होकर 17.45 रह गई है, यानी कि चोरी जो है वो कम हुई है, जो बिजली की चोरी होती थी। राज्यपाल के अभिभाषण में ये भी कहा गया है कि सरकार द्वारा फलों व सब्जियों के भंडारण, रेफ्रिजरेटर्स, ट्रांसपोर्ट के लिए इंटीग्रेटेड पैक हाउस स्थापित किए जा रहे हैं। सरकार ने चालू वर्ष के दौरान बागवानी में 181.72 करोड़ रुपए की लागत से 52 नई योजना स्थापित करने का फैसला लिया है। सरकार ने अगले 2 वर्षों में किसान उत्पादक संगठनों की संख्या को बढ़ाकर 1000 करने का निर्णय लिया है। हरियाणा की 111 मंडियों में मिट्टी जांच प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। बहुत लंबी विस्तृत चर्चा है, बहुत बड़ा अभिभाषण है जो कि हमारे सामने बहुत पृष्ठ हैं, इसलिए संक्षिप्त में अगर हम बिंदुओं को हम टच करें कि मुख्य बातें क्या है, तो मैं समाप्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करते हुए बताना चाहूँगा कि राज्यपाल के अभिभाषण में मुख्य तौर पर और क्या बिंदु थे। अटल भूजल योजना में शामिल होंगे हरियाणा के 36 खंड। पश्चिमी यमुना कैनाल की क्षमता, जैसे मैंने बताया, वो 40% वृद्धि उसमें की जाएगी। हरियाणा के प्रत्येक ग्रामीण को मिलेगा रोजाना 55 लीटर पानी। हरियाणा के सभी जिलों में मिलेगा पोषायुक्त आटा। 24 घंटे बिजली आपूर्ति में शामिल हो गए सभी गांव, और मार्च माह तक 5000 EWS मकानों का जो है निर्माण होगा। पंचायती जमीनों पर लगेंगे फलों के बाग। हरियाणा के 119 ब्लॉकों में खुलेंगे मॉडल संस्कृत स्कूल। NCR में 200 करोड़ की लागत से बनेगा विज्ञान सिटी। हरियाणा के 13 विभागों में लागू होगी ऑनलाइन ट्रांसफर नीति। प्रदेश में स्थापित होगी 25 अटल किसान मजदूर कैंटीनें, और लड़कियों व महिलाओं के लिए बढ़ेगी बसों की संख्या। तो ये था आज राज्यपाल के अभिभाषण की बात, जिसके बाद जो दिवंगत जनप्रतिनिधि थे उनको श्रद्धांजलि अर्पित की, और उसके बाद जो है सदन जो है अगली कार्रवाई के लिए स्थगित हो गया। तो ये था आज का हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का पहले दिन का जो कार्यक्रम जो आपके सामने हमने प्रस्तुत किया। इसी तरह हम आगे भी आपको जो कार्रवाई होगी बजट की या दूसरी सूचनाएँ देते रहेंगे। तो मुझे नरेश कौशल को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए दैनिक, पढ़ते रहिए दैनिक अर्थ प्रकाश, और देखते रहिए वेब TV अर्थ प्रकाश। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, और ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।